हेलो एस्पेरेंट्स, तो हम ऑलरेडी मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टी से डील कर चुके हैं, राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेशन. देखो, मॉड्यूलस रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सर से तुम्हें जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है ना, वो सॉल्व करना, वो रिटेन करना मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? अगर तुम्हें एक बार मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज क्लियर है, तुम आर्ग्यूमेंट और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अगर, यार इतने हलवा चीज है, उतना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए. बट इट्स सो इट्स बेटर कि तुम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज को अच्छे से रीड करो कि कैसा है, क्या हो रहा है वो चीज़ है. ओके, इसके अलावा बस कॉन्सेप्ट को बस देखना, वॉच करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन कैसे तुम बना रहे हो उसको. ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठी रहे. ओके, तो देखो आर्ग्यूमेंट होता क्या है. जैसे हमने मॉड्यूलस डिस्कस किया था, मॉड्यूलस क्या था, मैग्नीट्यूड, राइट? तो यहाँ पे जो मॉड्यूल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है. आर्ग्यूमेंट इज नथिंग, जस्ट द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद एक्स एक्सिस. ओके, क्या आर्ग्यूमेंट का अगर हम डेफिनेशन लिखने जाते हैं, आर्ग्यूमेंट एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, ठीक है, ये चीजें तो सॉर्टेड है. अब आर्ग्यूमेंट को डिनोट किससे करते हैं, आर्ग्यूमेंट को डिनोट करते हैं ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मतलब क्या, जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम बुलाते हैं थीटा, इसको वी कॉल थीटा. ओके, और याद रखना अगर हम इसके अंदर ना बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यूज, अगर वो पूछता है ना कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, हमेशा याद रखना प्रिंसिपल वैल्यू जो वैल्यूज होती है ना, वो -180 टू +180 लाई करती है. ओके, -180 टू +180, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. अगर जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर एन वाला टर्म आ जाता है, एन वाला, फॉर एग्जाम्पल 2n π + θ, ऐसा वाला, ये जनरल के लिए होता है. जब जब तुम्हें एन दिखे ना, ये समझ जाना कि भाई ये सब, ये तो जनरल है. प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या है, -180 टू +180. अब हम बात करेंगे, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि भाई हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, राइट? अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसका रिप्रेजेंटेशन हम कौन से प्लेन पे करते थे, आर्गन प्लेन पे, राइट? है ना, तो सोचो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई आ गया. एक्स वाला पार्ट रियल होता है, वाई वाला इमेजिनरी. ये रियल और ये इमेजिनरी, है ना. तो यहां से ऐसा, ठीक है. अब मेरे को बताओ कि इसको ओ बोल देते, इसको ओ बोल देते, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या होगा. तुमने ये देखा था जो डिस्टेंस, इसको हम क्या बुलाते थे, मॉडुलस बुलाते थे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. वैसे ही OA एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, OA एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, उसको वी कॉल आर्ग्यूमेंट, उसको हम बुलाते हैं आर्ग्यूमेंट, द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस. अब मेरे को बताओ दिस वैल्यू कितनी थी अपनी, ये वाली वैल्यू वाई है, दिस वैल्यू इज एक्स. अब थीटा के जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर हो गया, थीटा से जो चिपका हुआ वो बेस हो गया. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है, टैन टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है. तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्लियर है ये चीज, ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ये इनवर्स वाला अगर तुम्हें दिक्कत है तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तुम्हें एकदम क्लैरिटी बैठेगी कि यार ये इनवर्स वाला चीज क्या है. यहाँ पे तुम्हें वैल्यू, जैसे हमें पहले एंगल गिवन होता था ना थीटा में, यहाँ पे हमें एक वैल्यू गिवन होगी और फिर चेक करना पड़ेगा कौन से एंगल पे ये वैल्यू आती है, वो हम कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो तुम. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होगा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स. बट एक चीज बताती हूँ, ये बात याद रखना, आर्ग्यूमेंट निकालना इतना छोटा काम नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है. हर बार आर्ग्यूमेंट का वैल्यू ये हो टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, ये जरूरी नहीं है. इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज होती है, हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज होती है. अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तुम लोग ये जान लो, इतना क्लियर है तुम लोगों को, इसे नोट डाउन कर लो, ये चीजें नोट डाउन कर लो जो भी बोर्ड पे है. अब तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए आगे. अब हमने क्या बोला, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंजेस, वो कैसे. अब देखो तुम एक चीज बताती हूँ, अब तुमने देखा था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, राइट? अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है, जो इधर कोऑर्डिनेट्स है
मेरे को बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई, राइट? कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तुम्हारा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, राइट? अगर कोऑर्डिनेट एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, प्लस प्लस वाला क्वाड्रेंट कौन सा आता है ये। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब इस बार एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सिंपली थीटा होती है। क्या होती है? सिंपली थीटा होती है। बट अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा, मतलब माइनस कॉमा प्लस, अगर कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मेट के दिखते हैं, नेगेटिव रियल पॉजिटिव इमेजिनरी, तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। अब मैं बताऊंगी एल्फा निकालते कैसे, बट तुम पहले इसको नोट डाउन कर लो, ओके? बट अगर कोऑर्डिनेट्स माइनस कॉमा माइनस दिखता है, ये भी माइनस, रियल भी माइनस, इमेजिनरी भी माइनस, तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एल्फा माइनस पाई, और यही सारी प्रिंसिपल वैल्यूज है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट, ओके? अगर ऐसे दिखता है प्लस माइनस, तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस थीटा, इसमें थीटा इक्वल टू थीटा, सिंपली सिंपली। इसके अंदर ये एल्फा का झोल है, अभी ये एल्फा समझना तुम्हें सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी, ओके? क्लियर है ये चीजें? ये चीजें नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो सिंपली आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट एल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। फोर्थ देखो ये जो बॉक्स बना रहे ना, ये तुम्हारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट्स, ओके? इसे नोट डाउन कर लो, ओके? इसे नोट डाउन करो, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने ऐसे लिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को किसे डिनोट किया, थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट द वैल्यू चेंजेस, ओके? कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे करना कैसे है। अभी बता, लिख लिया होगा फटाफट से, ये जो वैल्यूज है ना इसको नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब लिख लिया होगा तुमने इतना। अब देखो आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने के स्टेप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जंप करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एल्फा। एल्फा क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है, जेड इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 1 है। अब जो एल्फा का वैल्यू होगा ना, एल्फा वो हो जाएगा टैन इनवर्स। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, मॉड, यहां पे क्या लिखा, मॉड। मॉड की खासियत ये होती है कि कोई भी वैल्यू उस पर चले जाओ वो वैल्यू क्या करके देगा, पॉजिटिव। मॉड की खासियत कुछ जाएगा हमेशा आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, ओके? वाई अपॉन एक्स। तो एल्फा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि वैल्यू कौन से कॉर्डिनेट में जा रही है, वो क्या कर रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव करके छोड़ रहा है ना, राइट? एल्फा को फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ेगा, थीटा को पड़ेगा, ओके? आर्ग्यूमेंट को पड़ेगा। तो एल्फा कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स 1 अपॉन 1, तो वाई इक्वल टू टैन इनवर्स 1। टैन इनवर्स 1 कौन सी वैल्यू पे आता है, मतलब इसको समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसका मतलब कि टैन कौन से एंगल पे 1 आता है, टैन की कौन से एंगल पे 1 आता है, 45। तो सिंपली हम लिख देंगे एल्फा इक्वल टू 45, ओके? ये हमारी एल्फा की वैल्यू है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड चेक करना है, राइट? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालोगे तुम लोग, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट द आर्ग्यूमेंट का वैल्यू चेंजेस। अब वो पता कैसे चलेगा, कोऑर्डिनेट्स को चेक करो, 1, 1 है, प्लस कॉमा प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसा होता है, सिंपली थीटा, ओके? मतलब फॉर एग्जाम्पल इसमें थीटा, थीटा की वैल्यू एल्फा की इक्वल होती है, इसमें पाई माइनस एल्फा, एल्फा माइनस पाई, थीटा इक्वल टू माइनस एल्फा, ओके? एल्फा की वैल्यू निकालेंगे हर एक केस में, क्या करेंगे, एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो हमारा एल्फा का वैल्यू आया वही हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा, जो हमारा एल्फा का वैल्यू आया वही हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, तुम ना ये चीज लिख लो, वो थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ कर गया था हमने, इस चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके? इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तुम्हें क्लैरिटी बैठेगी, ओके? तो अब तुम्हें ये समझा होगा, तुम्हें क्या याद रखना है, क्वाड्रेंट और कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सिर्फ अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए जो स्टेप वन है हमारा, जो हमारा स्टेप वन है, दैट इज फाइंड एल्फा। फाइंड एल्फा, एल्फा कैसे निकालते हैं हम, एल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आता है,
मॉड वाई बाई एक्स। देखो ये टैन इनवर्स कुछ नहीं है, सिंपली अगर तुम इसको ऐसे भी डील करते हो ना, टैन अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, तो भी बात सेम ही। ओके सिंपली ये यही चीज़ है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा है टैन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री, तो क्या चेक करोगे कि यार अल्फा, ये टैन अल्फा रूट थ्री कब होता है, टैन कौन से एंगल पे रूट थ्री होता है, तो सिंपली 60 डिग्री। अगर ऐसा आता टैन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, तो कौन सी वैल्यू पे होता है, 30 डिग्री। अगर ऐसा आ गया टैन अल्फा इक्वल टू वन, तो 45 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। ये इनवर्स से फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पे चेक करना है कि यार यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है वैल्यू का, वन है तो 45 डिग्री तो अल्फा का वैल्यू, अगर रूट थ्री है बस ये करिए ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना उसको चेक करो, अच्छा रूट थ्री है तो 60, वन बाई रूट थ्री है तो 30 डिग्री। तो ये इनवर्स देख के डरो मत, बस यहाँ पे चेक करना है यहाँ पे वैल्यू क्या, और उसके हिसाब से एंगल डिसाइड कर लेना तुम। ओके स्टेप वन क्लियर है तुम्हें, अल्फा फाइंड किया। अल्फा फाइंड करने के बाद हमारा सिलसिला खत्म नहीं होता है, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद चेक करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स है लाई इन विच क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट्स लाई इन विच क्वाड्रेंट, और कौन से कोऑर्डिनेट्स। अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था राइट, एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर टू क्लियर है। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, असाइन द आर्ग्यूमेंट वैल्यू, असाइन द आर्ग्यूमेंट वैल्यू। अब कैसे, अगर x कॉमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर x कॉमा वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली वही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। बट अगर ये कोऑर्डिनेट सेकंड को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा होता है, और इस बार सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। स्टेप वन अल्फा फाइंड किया, कोऑर्डिनेट्स को चेक करना है। ओके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई। अब तुम्हें ये समझा होगा अल्फा की वैल्यू निकालनी कैसी है, अल्फा की वैल्यू निकालते वक्त यहाँ पे लगाएंगे हम मॉड्यूलस, क्योंकि हमको इस टाइम पे फर्क नहीं पड़ रहा कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमको स्टेप नंबर टू में आके या स्टेप नंबर थ्री में आके फर्क पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। इधर तो सिर्फ सिंपली ना तुम अल्फा की वैल्यू निकालने पे ध्यान दो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव उस पर ध्यान मत दो। ओके अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। क्लियर है, ये स्टेप्स लिख लो, तुम्हें अब आर्ग्यूमेंट निकालने में आसानी होगी, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि तुम्हें इस पे क्लैरिटी हो जाए, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। ओके अब लिख लिया तुम लोगों ने, चलो अब ना क्वेश्चंस करते हैं और स्टेप्स याद रखना ठीक है। तुम लोग स्टेप्स याद रखोगे चीजें एकदम आसानी से आ जाएंगी, और जब तुम एक बार चीजों को समझ के स्टेप्स को समझ लोगे ना, बाद में रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं यार, ऑटोमेटिकली ब्रेन ना ऐसा प्रोसेस हो जाएगा कि वो चीजों को वही करेगा। चलो करते हैं स्टार्ट। जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई। ओके तो यहाँ पे रिमेम्बर रखना है, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू, अल्फा के वैल्यू में मॉड आता है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, वन कॉमा वन राइट। तो सबसे पहले फाइंडिंग अल्फा, फर्स्ट स्टेप इज अल्फा, टैन इनवर्स मॉड ऑफ वन अपॉन वन, तो टैन इनवर्स वन हो गया। अब इस पे ध्यान दो यहाँ पे वैल्यू क्या है, वन है, टैन के कौन से एंगल पे वन आता है, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय फोर। स्टेप नंबर वन इज डन। इसके बाद चेक करना है कोऑर्डिनेट्स क्या थे, कोऑर्डिनेट्स क्या थे, वन कॉमा वन, वन कॉमा वन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वन वन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट इज सिंपली अल्फा, तो इस बार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा, मतलब पाई बाय फोर। क्लियर है ये चीज, बहुत आसान थी। चलो अब तुम ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, इधर हम ले लेते हैं माइनस, देखो अल्फा निकालते वक्त फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके इसे जरा सॉल्व करो तुम लोग, ओके इसको पॉज करना और ट्राई करना, जब तक तो खुद से सॉल्व नहीं करोगे चीजें नहीं आने वाली। कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते साइड में, ये वन है, ये माइनस वन है ना, माइनस आया मतलब माइनस वन, तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, टैन इनवर्स माइनस वन अपॉन वन, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कैसा होता है, टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स मॉड के साथ,
माइनस वन हो गया राइट, बट इस माइनस से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि मॉड है, मॉड के जैसी बाहर आएगी कोई भी चीज सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, टैन इनवर्स वन। इसको ना ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थीके? हम आदत से मजबूर है, टैन इनवर्स वन। तो वापस चेक करना यार, वैल्यू क्या है यहाँ पे, वन है। वन कौन से एंगल पे आता है टैन के? 45 डिग्री, मतलब पाई बाय फोर। ओके, बट क्या इस बार आर्ग्यूमेंट अगेन पाई बाय फोर होने वाला है? नहीं। अब क्या करोगे तुम? तुम चेक करोगे कोऑर्डिनेट्स, मतलब पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, राइट? फर्स्ट वाला क्या है? पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। प्लस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसा होता है? माइनस अल्फा। फर्स्ट में ये पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस अल्फा का वैल्यू कितना था? पाई बाय फोर। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा। टिंग टिंग टिडे, समझा तुमने? और एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से, सॉल्व करते हैं और देखते तुम्हें चीजें कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड पे। एंड लेट्स रूट थ्री माइनस, नहीं रूट थ्री प्लस आई लेते, चलो जरा इसको सॉल्व करो। ऐप लिख लिया होगा तुम लोगों ने, इसको करो जरा सॉल्व, रूट थ्री प्लस आई। सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट्स को ना छाट के ना साइड में कर दिया करो, ताकि उसके बाद हमें आसानी होगी एकदम मस्त वाली। ओके, बट इसे नोट डाउन कर लो फटाफट से, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और देखो। एक्स का वैल्यू रूट थ्री है, प्लस है तो सिर्फ वन होगा। अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, टैन इनवर्स। वाई का वैल्यू कितना है? वन, उसके ऊपर रूट थ्री, वाई अपॉन एक्स, वन बाय रूट थ्री। हम मैंने क्या बोला है? सिर्फ ध्यान किस पे होना चाहिए यार, अंदर वैल्यू क्या बैठी हुई, वन अपॉन रूट थ्री। तो कौन से एंगल पे आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है? पाई बाय सिक्स। हो गया काम खत्म। अब इसको क्या चेक करना है? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या है? प्लस प्लस, तो प्लस प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब दिस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज सिंपली अल्फा, मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज तुम्हें फटाफट से नोट डाउन कर लो, आप समझ आ रहा है तुम्हें चीजें। चलो और एक क्वेश्चन तुम करो, माइनस रूट थ्री माइनस आई, माइनस रूट थ्री माइनस आई, चलो करो जरा इसको, इसको सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये करना उसके बाद, और एक ले लो, z इक्वल टू चलो करो जरा इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना राइट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कितना रॉन्ग आ रहा है। चलो लेट्स चेक। ओके, सबसे पहले ये वाला है, z इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस आई, कोऑर्डिनेट्स निकाल के साइड में रख देते हैं। माइनस वन विल गो फॉर अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना होएगा? इसको थोड़ा चेंज कर देंगे हम, चलो दिस क्वेश्चन विल बी एज माइनस वन प्लस रूट थ्री आई। ओके, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई माइनस वन माइनस रूट थ्री, माइनस माइनस का आंसर। बट वैसे भी नेगेटिव साइन से फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव होकर बाहर आना है उसने। टैन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री कौन सा एंगल? थर्टी वाला, मतलब अल्फा इक्वल टू पाई बाय सिक्स। काम खत्म होता है यहाँ पे? यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। अब क्या चेक करेंगे? कोऑर्डिनेट्स, वेयर आर द कोऑर्डिनेट्स, वेयर आई है, यही था ना? नेगेटिव 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 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसा होता है? अल्फा माइनस पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? पाई बाय सिक्स माइनस पाई, मतलब माइनस फाइव पाई बाय सिक्स। एलसीएम निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस फाइव पाई बाय सिक्स। आई हैव समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो ये वाला, और इसका आंसर तुम कमेंट्स में डालना। ओके, इन चीजों को फटाफट से नोट डाउन कर लो, ताकि अब हम नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और उस पर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ओके, अब तुम्हें स्टेप्स सारी चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो अब हम ना प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, हर एक प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ओके, तो एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आई सॉरी, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब सबसे पहले चीज क्या समझनी है वो देखो तुम लोग।
मैंने एक हल्का सा ना कॉन्जुगेट का हिंट दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट को डिटेल डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट होता क्या है बेसिकली, अब हमारे पास अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है ना, तुम्हें क्या करना है, जो भी आई के आगे की साइन है उसको जैसे ही तुम रिवर्स कर देते हो, यहाँ पे प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और कॉन्जुगेट को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अभी फिलहाल के लिए तो समझो, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट ऑफ जेड एक्स माइनस आई वाई। ओके, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या करना है, आई के आगे जो भी साइन है उसको तुम ना चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अगर ऐसा रहेगा तो इसका कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई, बस आई के आगे की साइन रिवर्स कर दो, यू विल गेट द कॉन्जुगेट। ओके, अब हम सारी प्रॉपर्टीज एकदम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो। अब वो क्या बोलते हैं, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना, वो अगर हम ऐसे लिखते, सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड ऑफ जेड दैट इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब जो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट होगा ना वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज है, अगर हम जेड बोल देते हैं एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स वाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट, डन। अब मेरे को बताओ, जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, तो जो प्लस की साइन है उसको सिर्फ माइनस से रिवर्स कर दो, है ना। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसा दिखता है, आर्ग्यूमेंट दिखता कैसे, सिंपली अल्फा, अल्फा दिखता था। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई, तो एक्स कॉमा माइनस वाई मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, मतलब ये वाली वैल्यू एक्स कॉमा माइनस वाई इधर लाई करने वाली है। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट, यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा होता था, यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, तो हमारा जो इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था वो क्या था, थीटा था, और जब हमने कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकाला वो क्या आया, माइनस थीटा। ये किसका कॉन्जुगेट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट, वो कितना आया, माइनस थीटा। क्लियर है ये चीज, समझा। अब जो थीटा है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्लियर है ये चीज, यही चीज हम इस वाले क्वाड्रेंट के लिए भी चेक कर लेते हैं, चलो जरा कर ही लेते हैं, अगर आए इतने दूर तो जेड इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखता है माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी, ये कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करेगी, ये लाई करेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, माइनस एक्स कॉमा वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे दिखती है थीटा की, पाई माइनस एल्फा, राइट अब मैं इसका कॉन्जुगेट की बात कर रही हूँ, देखो रियल वाले पार्ट को छेड़ना नहीं है, किसको तंग करना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट को, माइनस एक्स प्लस के आगे की साइन माइनस आई वाई, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये, इसका ये था ना एक्स माइनस आई वाई, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो कैसा होता है, अल्फा माइनस वाई, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, अल्फा माइनस पाई। तो अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर से मैं माइनस के साइन बाहर निकाल दूं, मैं इसके अंदर से क्या करूं, माइनस के साइन बाहर निकाल दूं, तो ये कैसे दिखेगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तुम्हारा, राइट, तो ये हो गया माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हमेशा याद रखना, जो कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट होगा वो बस और बस तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका नेगेटिव होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ये चीज, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, नोटेड डाउन। ओके, अब तुम्हें समझाओगे फटाफट से, तो लिख लिया, अब लिख लिया वो तुम लोगों ने ये, अब तुम्हें क्लैरिटी बैठी होगी करना कैसा है। अब देखो हम डायरेक्ट डायरेक्ट फटाफट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ओके, अब अगर कभी ऐसा बोल देते ना कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन एंड जेड टू, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करो, तो तुम्हें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जेड वन जेड टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका रियल पार्ट उसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना पड़ेगा, फिर वाई अपॉन एक्स करना पड़ेगा, इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन से बच सकते हैं, सिंपली इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो जो इनका मल्टीप्लीकेटिव वैल्यू आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो सेम होगा Z1 और Z2 के मैग्नीट्यूड को, आर्ग्यूमेंट को ऐड करने का. ओके, ये प्रॉपर्टी हमने किस पर डिस्कस की थी, मॉड्यूलस. अगर ऐसा बोलते हैं तो डिवाइड वाला झंझट से तुम बच सकते हो. डिवाइड वाला झंझट देखो, मल्टीप्लाई में सिर्फ प्लस कर देना, डिवाइड में तुम क्या करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालो, उसमें से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालो, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो सेम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की होगी. ओके, और देखो ये ना बस इसके लिए लागू नहीं है, यहाँ पे जनरल भी लगा सकते हो तुम. कैसे, फॉर एग्जांपल अगर बोलता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 डॉट 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 Zn, इतने सारे हैं, इन सबको निकालो. सिंपली क्या करना है, सेपरेट कर दो सबके अलग 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 आर्ग्यूमेंट्स निकालो और सारे वैल्यूज को ऐड कर दो. समझा, सिंपली ऐड कर देना है तुमने इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना. ओके, अब तुम बोलोगे दीदी इसमें जनरल वैल्यू लग सकती है, मेरे को बताओ भाई कि तुमने कहीं ऐसा ये देखा है ऐसे इतनी बार डिवाइड हो रही है, नहीं होता ना तो इसलिए. ठीक है, सर तुम्हें समझा होगा, इधर डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस सेपरेट आर्ग्यूमेंट निकालो, डिवाइड है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो. चलो ये प्रॉपर्टीज तुम फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. अब लिख लिया वो तुम लोगों ने यहां तक. ओके, चलिए आगे. हमने मॉडल्स में और एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, सेम वही प्रॉपर्टीज लग रही है आपने सारी, तो इस तरह ना रिटेन करना बहुत आसान होता है. अगर वो बोल देगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z^n, इस केस में मतलब पहला Z^n करना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जांपल n का वैल्यू मेरे को 4 बोल दिया तुम, और बोल दिया फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z^4, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यार, ये Z^4 सॉल्व करना पड़ेगा. शिट, कितना बड़ा हो जाएगा ये. इसका एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज जो भी पावर है ना उसको आगे लेके आ जाओ, और जो पावर है उसको आगे लेके आ जाओ और सिंपली तुम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड कर लो. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आएगा, उसको जो भी रेस्ट में पावर है उसे मल्टीप्लाई कर लो, वही तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होने वाला है. अब मेरे को बताओ Z² कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे हम. सिंपली क्या करेंगे यार, जो भी पावर है उसको नीचे उतार लेंगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड कर लेंगे. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आने पर इस चीज दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्लियर है ये चीज, ये प्रॉपर्टी भी नोट डाउन कर लो. अब देखना यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्योरली रियल. तुमने हमने डिस्कस किया था प्योरली रियल क्या होता है. चलो तुमने पहले ये क्वाड्रेंट सिखा देती हूँ. यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -90 होता है, सॉरी यहाँ पे +90 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे -90 होता है, और फिर 0. 0 +90 पाई -90. क्लियर है? अब चीजों को समझने की कोशिश करना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा है 0, 90, 180, -90, 0. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो. प्योरली रियल नंबर्स को हम लिखते कैसे हैं? प्योरली रियल नंबर में कौन सा पार्ट 0 होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0. तो x प्लस iy प्योरली रियल, i 0, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो ये नंबर कैसा है? प्योरली रियल है. अगर वो पूछेगा कि इसका आर्ग्यूमेंट बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. अब याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसके दो आर्ग्यूमेंट आने के चांसेस है, एक 0 और पाई. अब 0 और पाई इसको कैसे डिफाइन करेंगे? याद रखना, अगर x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, अगर तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली 0. क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो ये कौन से कहाँ पे लाई करेगा? इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि इधर x क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इस वाले पाथ पे x क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो वो कौन से वैल्यू पे आएगा, कौन से लाइन पे आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू लाइन पे आ रहा है, राइट? तो उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z क्या होगा? 0 होगा. अब तो ये तुम आराम से बता दोगे, अगर ऐसा दिख रहा है इसमें जो रियल पार्ट ऑफ Z है दैट इज लेस देन 0, रियल पार्ट लेस देन 0 है. अगर तुम सिर्फ -x को देखते हो, इस वैल्यू को कहाँ पे प्लॉट करोगे? y तो 0 है, तो कौन से इधर आ जाएगा? तो इस वाले लाइन पे आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? सिंपली y. क्लियर है ये चीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो. तो आई होप तुम्हें ये समझा होगा चीज. ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को. देखो कैसा,
अगर रियल पार्ट ऑफ जेड अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो कैसे दिखेगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो आए, तो रियल पार्ट है बड़ा है जीरो से, मतलब इस वाले इस पे प्लॉट करेंगे उसको, तो इस वाले प्लॉट पे एंगल क्या है, जीरो है, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या आने वाला है, जीरो। बट अगर यही वैल्यू रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो, लेस जीरो से छोटी है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू क्या है, पाई है, राइट। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई। क्लियर है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हेल्प करेंगी। इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा कैसे तुम्हारा, इस केस में दिखेगा जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो, यही कंडीशन प्योरली इमेजिनरी के लिए देखते हैं और ये तुम आराम से बता दोगे अब। मेरी बात सुनो, प्योरली इमेजिनरी में कौन सा पार्ट जीरो होगा, जैसे प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट जीरो था, वैसे ही प्योरली इमेजिनरी में कौन सा पार्ट जीरो होगा, रियल पार्ट विल बी जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जीरो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नजर आएगा, जीरो प्लस आई वाई, कैसा दिखा, जीरो प्लस आई वाई। ओके, अब जीरो प्लस आई वाई दिखा, तो इस केस में जब जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, जब ग्रेटर देन जीरो है, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको कहाँ पे प्लॉट करोगे, ऊपर, ऊपर प्लॉट करेंगे तो उसमें वैल्यू क्या है, +90 है। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, +π/2, कब, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो और नंबर कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी, ये केस वन। बट अगर यही इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन जीरो, इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है, मतलब कैसे दिखेगा, जीरो माइनस आई वाई, राइट। आई मतलब क्या यार, आई तो सिंपली आई, ये ऐसा माइनस वाई ऐसे दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो इस केस में जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, माइनस वाई है, माइनस वाई लेस देन जीरो, जीरो यहाँ पे होता है, ऊपर जाएंगे तो +π/2, लेस देन जीरो है मतलब नीचे आएंगे और नीचे वैल्यू क्या है, -π/2। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, -π/2, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन रखता है। तो ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, +π/2 कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट इज ग्रेटर देन जीरो, हर एक केस में नहीं होगा, जब जब रियल पार्ट जीरो होगा, नंबर कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी, उस केस में एक बार आर्ग्यूमेंट +π/2 आएगा, एक बार -π/2 आएगा। क्लियर है ये चीज, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके, ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। ओके, अब हमने एक चीज देखी थी, क्या, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार है दैट इज सेम एज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है तुम्हें सारी चीजें, प्रॉपर्टीज क्लियर है अच्छे से। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं, सेपरेट निकालेंगे ऐड कर देंगे, डिवाइड होगा तो सेपरेट आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई में प्लस डिवाइड में माइनस। और अगर रेस टू में कुछ बड़ा सा पावर दे दिया तो क्या करना है, पावर को नीचे उतार लो, अगर ऐसे बोल दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेस टू 10, इतना बड़ा थोड़ी ना सॉल्व करेंगे जेड रेस टू 10, सिंपली क्या करो, पावर को नीचे उतारो और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड कर लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के हमें स्टेप्स मालूम है, फाइंड एल्फा, चेक द कोऑर्डिनेट्स, चेक द क्वाड्रेंट, असाइन द वैल्यूज, डन। इसे नोट डाउन कर लो ताकि अब हम सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन लगाएं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो चलो कुछ क्वेश्चंस है बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और आर्ग्यूमेंट का काम तमाम करते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट मतलब एक ही है, याद रखना, एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो, सॉरी नोट डाउन नहीं, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर टिक करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, देखो जम रहा है नहीं जम रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमें पता है यार अल्फा का वैल्यू निकालना होता है, टैन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है ना, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें पता नहीं है रियल पार्ट कौन सा है, हमें यहाँ पे पता नहीं है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ कर लेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, तो जेड इज इक्वल टू 1 + i 1 - i, तो इंटू 1 + i 1 + i, राइट, जो भी चीज़ नीचे है उसका साइन चेंज करके लिख दो, 1 + i 1 + i 1 + i का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी है,
अब तक तो तुम्हें सारी चीजें रट चुकी होंगी, 1 + i² क्लियर है, सॉरी 1 - i² 1 + i² 2i डन, 1 i² का वैल्यू माइनस ऑफ -1 राइट, i² का वैल्यू -1 कट कट 2y/2 फिर कैसा आ गया z इक्वल टू 0 + i 0 + i इसमें हम वो भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या सिंपली हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कि जो अल्फा है जो वैल्यू है वो कैसी है 0,1 है राइट, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 0 है और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है दैट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 5/2 समझा, इतनी आसान थी चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो। और वैसे इसको ये करना है, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट सॉल्विंग एंड देन मूविंग ओके, क्या करना पड़ेगा जेड है 1 + √3i √3 + i इंटू √3 - i √3 - i राइट, अब चलो सॉल्व करते हैं 1 × √3 √3 1 × i -i √3 √3 √3 √3i -√3i² राइट, और नीचे a + b a - b a मतलब √3 का स्क्वायर -i² डन, चलते हैं -i + 3i 2i i² क्या होगा माइनस, तो -√3 - 1 ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 क्लियर कर, सही कर रहे ना चीजें, √3 का स्क्वायर 3 और i² - क्लियर है ये चीज, ये कितना हो जाएगा √3 + 2i +√3/4 √3 √3 2√3 2i/4 राइट, सेपरेट कर लो √3/2√3/4 2i/4 तो क्या हो गया √3/2 i/2 क्लियर है ये चीज, इतना समझा तुम्हें। अब इसके अंदर मेरे को बताओ एक y वाला पार्ट क्या है, z है ना राइट, x वाला पार्ट क्या है √3/2 y वाला पार्ट क्या है 1/2 राइट, क्लियर है चीज, ये समझा तुम्हें, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब क्या करते हैं हम, अब हम निकालते हैं अल्फा, अल्फा इज टैन इनवर्स, अल्फा इज न्यूट्रल नो फर्क पड़िंग फ्रॉम साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो टैन इनवर्स y कितना है 1/2 x कितना है 1/√3/2 2 कैंसिल टैन इनवर्स 1/√3 1/√3 देखें कौन सा क्वाड्रेंट 30 मतलब π/6 राइट, अल्फा का वैल्यू कितना है π/6 अब काम खत्म होता है, नहीं खत्म होता है, आर्गुमेंट निकालना है कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ z सिंपली अल्फा, आर्गुमेंट ऑफ z कितना होता है थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/6 आंसर है क्या इसमें चेक करो जरा, हाँ क्लियर है ये चीज, आई होप समझा होगा, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो तो हम आगे बढ़े ओके, फटाफट से इन चीजों को ना तुम सॉल्व कर लो ओके, आया समझ, चले आगे इस पे चलते हैं, देखो कुछ प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट करो सॉल्व इसको ठीक है, अब लिख लिया तुमने इतना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इफ जेड इज प्योरली रियल एंड रियल पार्ट इज लेस देन जीरो, प्योरली रियल है मतलब कौन सा पार्ट जीरो होने वाला है इमेजिनरी पार्ट जीरो होने वाला है, मतलब y वाला पार्ट इज इक्वल टू जीरो, बचा कौन x, x रियल पार्ट हो गया, अब रियल पार्ट के बारे में क्या बता रहा है, जो रियल पार्ट है दैट इज लेस देन जीरो, रियल पार्ट इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज मतलब नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस मतलब पीछे, पीछे मतलब पाए, पाए मतलब हाई हाई, क्लियर ये चीज, आप समझा होगा, चलिए आगे z इक्वल टू जीरो माइनस i, फर्स्ट केस में प्योरली रियल था, इस केस में प्योरली इमेजिनरी दिख रहा है क्यों, क्योंकि योर रियल पार्ट इज जीरो, z इक्वल टू जीरो माइनस i, रियल पार्ट ऑफ z जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज माइनस वन मतलब लेस देन जीरो,
इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? वाई वाला होता है, मतलब वाई वैल्यू इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब ये वाला एक्सिस, ऊपर वाला क्या होता है प्लस पाई बाय टू, नीचे क्या होता है माइनस पाई बाय टू। क्लियर है ये चीज? समझा? फोर्थ फिफ्थ वाला तुम्हारा होमवर्क है, तुम कमेंट्स में डाल देना इसका आंसर। इसका आंसर टिंग टिंग टिंग। ओके ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके अब इतनी चीजें समझ आ गई होगी तुम्हें। अब देखो क्या बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई वाई, राइट। अब हमें क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू, ये गिवन है, और फाइंड करना है ये वैल्यू। तो पहले जेड माइनस वन फाइंड कर लेते हैं। जेड माइनस वन कैसा हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई माइनस वन, रियल पार्ट एक तरफ इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसा आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वन, राइट। ये सॉरी ये किसका आर्ग्यूमेंट है? सॉरी सॉरी सॉरी, जेड माइनस वन का निकाला ना हमने। इसमें इमेजिनरी पार्ट वाई था, ऊपर आ गया रियल पार्ट एक्स माइनस वन था। अब उसके बाद क्या बोला है? जेड प्लस थ्री आई, मतलब एक्स कितना है? एक्स प्लस आई वाई प्लस थ्री आई, मतलब एक्स प्लस, इसमें आई कॉमन आ जाएगा, थ्री प्लस वाई। तो अब जेड प्लस थ्री आई का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस थ्री आई, टैन इनवर्स ये वाला वैल्यू क्या है? थ्री प्लस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है ये चीज? अब एक कंडीशन रखी है कि यार दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं साथ में। पहले तुम ये चीज नोट डाउन कर लो। ओके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो हम इधर ऊपर लिख लेते हैं इसको। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, मतलब टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टैन इनवर्स थ्री प्लस वाई अपॉन एक्स। दोनों तरफ टैन है तो एंगल्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? इधर से वाई अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री प्लस वाई अपॉन एक्स, राइट। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस वाई एक्स माइनस वन। क्लियर? अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या थ्री प्लस वाई चाहिए क्या? नहीं चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इधर कर लेंगे, थ्री को इससे मल्टीप्लाई करो। थ्री एक्स माइनस वन प्लस वाई एक्स माइनस वन। आई होप ये चीज समझी होगी तुम्हें। थ्री ये वाले ब्रैकेट, ये वाले क्या बोलते हैं इसको, टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस वाई, और ये वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ओपन कर लेते हैं फटाफट। एक्स वाई थ्री, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मुझे एक्स माइनस वन तो चाहिए चाहिए। ओके प्लस वाई, अब एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू माइनस वाई। ओके प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, सेम साइन ऑपोजिट उस पे है, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब ये माइनस वाई को इस साइड लेके आता है तो वाई हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन के नीचे क्या चाहिए? वाई। तो इसको देखो ये कैसा हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री। वाई अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या है? थ्री। बट इसकी वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, तुम्हें एक्स माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स माइनस वन अपॉन वाई रेसिप्रोकल करने पे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। सो द आंसर कम्स आउट टू बी वन अपॉन थ्री। क्लियर है ये चीज? आई होप आज का कॉन्सेप्ट, आज के प्रॉपर्टीज सब कुछ क्लियर है। ओके नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस कंप्लीटली अबाउट कॉन्जुगेट्स। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। ऑल द बेस्ट, प्रेपरेशन करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रेपरेशन करते रहो।